करते कुछ और अहम खबरों का। खबर है रायपुर से, सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दौर जारी है। रायगढ़ के धरमजयगढ़ में जनता से वो संवाद करेंगे। सीएम बघेल सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे, कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी वो करने वाले हैं। तो रायगढ़ के धरमजयगढ़ में जनता से संवाद करेंगे, सीएम बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम, तो सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी उनकी ओर से। तो कार्यक्रम का दौर जारी है, कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री यहां पर करने वाले हैं। तो यह है पूरा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम बघेल का। तो लगातार इसी कड़ी में वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब रायगढ़ के धरमजयगढ़ में जनता से वो संवाद करने वाले, तो सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे। तो अहम ये मुलाकात भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहेगा, तो जो सरकारी योजनाएं हैं कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण वो करने वाले हैं। तो बड़ी खबर और अहम खबर, शिवम मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। शिवम, क्या है ये पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल अभितोष, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरा प्रदेश स्तरीय भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है, और इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ पर पहुंच चुके हैं, और आज वहां पर उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, और रात्रि विश्राम भी धरमजयगढ़ पर ही किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10:30 बजे अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं धरमजयगढ़ पर, और वहां की शासकीय योजनाओं की जो है समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही जो कार्यक्रम चल रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चल रहे हैं उसकी जो है समीक्षा करने वाले हैं। इसके साथ ही कई विकास कार्य और लोकार्पण कार्यक्रम जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल के अपने कार्यक्रम में करेंगे, और उसके बाद करीबन दोपहर के 12:30 बजे के आसपास AICC की वर्चुअल बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं, और उसके बाद अपना पूरा भेंट मुलाकात का कार्यक्रम धरमजयगढ़ पर खत्म कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम करीबन 3:30 बजे रायपुर वापस लौट आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण दिन है और अहम दिन है।